और जो आपने ढूंढा है, जो कि आप मुझे पीछे से पता लगा मुझे कि ये ढूंढ, शादी करूंगी तो मैं तो राजस्थानी उसमें करूंगी, राजस्थानी रिचुअल्स चाहिए मुझे, ये बिलोंग्स टू राजस्थान, प्रॉपर राजस्थान। लहंगा पहनना बहुत मुश्किल है, इट्स नॉट एट ऑल इजी। मैं तो सच में ये सोच रही हूँ कि लड़कियाँ शादी में भी कैसे पहन लेती हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कुछ और शो विद मी ललित डालमिया। आज हमारे साथ हैं नंदिनी शर्मा, जो कि एक यूट्यूबर, कंटेंट क्रिएटर, कॉमेडियन और एक बहुत ही अच्छी स्ट्रॉन्ग विमेन है। लेट्स वेलकम नंदिनी शर्मा। थैंक यू सो मच। कैसा लग रहा है आपको? मुझे पहली बात तो बहुत ही ज़्यादा ड्रीमी वाइब्स आ रही हैं ये लहंगा पहन के, एंड ऑफ कोर्स जो मैं सोचती हूँ, जो मैं ड्रीम करती हूँ, एक राजस्थानी ब्राइड जो मैं चाहती हूँ अपनी शादी पे, वो सब मुझे यहाँ दिख रहा है। इस वजह से मैं सुबह से बहुत ज़्यादा नर्वस हो रही हूँ ये देख के। मुझे लिटरली ऐसा लग रहा है जैसे मेरी शादी हो रही है, एंड मैं बहुत खुश हूँ इस सब को देख के। लवली, देखो हमने आपको जो बनाया है या जो सजाया है वो डेफिनेटली वो यही वाइब है, एक रानी, एक महारानी, एक क्वीन, एक गॉडेस, जो कि मुझे आप में दिखाई दे रही है। गजरा आपका और आपका स्ट्रॉन्ग मासूम चेहरा, वो कंगन, हर चीज, एक एक चीज बोल रही है। शादी करने का मन कर रहा है आपका? बहुत ज्यादा। नहीं, यूजुअली गर्ल्स आर लाइक कि हाँ, नॉट बिफोर 28, नॉट बिफोर 29, एंड आई एम जस्ट 23 एज ऑफ नाउ, राइट नाउ, सॉरी, आई एम जस्ट 23 एंड आई वांट टू गेट मैरिड एसएपी। ओह, क्विकली, दिस इज मैसेज फॉर यू गर्ल्स, जस्ट क्विकली गेट मैरिड। देखो कितनी स्टेटमेंट ब्राइड, सीरियसली आने वाली ब्राइड, चुलबुली ब्राइड, कॉमेडियन ब्राइड, स्ट्रॉन्ग ब्राइड। एक बार ये लहंगा पहन के देखो, ठीक है, ये पूरा लुक लेके देखो, ना मन करे शादी करने का तो बताना। शादी के लिए तो आपने हाँ कर दी, राइट? तो जो शादी के लिए कैंडिडेट की जरूरत होती है, दूल्हा जो कि घोड़े पे बैठा हो, टक 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 चलते हुए आ रहा है, पीछे से बारात आ रही है, तो उस दूल्हे की कौन कौन सी तो क्वालिटी आपको चाहिए? और जो आपने ढूंढा है, जो कि आप मुझे पीछे से पता लगा मुझे कि ये ढूंढ चुकी है, तो कौन कौन सी क्वालिटी उसमें थी जो बहुत ही अट्रैक्टिव या एक गर्ल को हमेशा चाहिए? मैं बताती हूँ एक्चुअली क्या मतलब, जो मैं स्टार्टिंग से ड्रीम करती हूँ ना, जिस तरीके की शादी मुझे चाहिए, ठीक है, तो वो है मतलब प्रॉपर राजस्थानी रिचुअल्स एंड प्रॉपर राजस्थानी दूल्हा टू। ओके, ठीक है। अब मेरा जो दूल्हा है, जो मैं चाहती हूँ जो हो, उसको ना मतलब थोड़ा ऐसा है, बचपन से उसको ऐसा लगता है कि ही बिलोंग्स टू राजस्थान, ओके, प्रॉपर राजस्थान, एंड वो प्रॉपर जो राजस्थान एक्सेसरीज होती है जो बॉयज पहनते हैं, वो सब पहनता है, एंड प्रॉपर राजस्थानी वाइब आती है मेरे को उसके साथ ना। तो मतलब हम यही प्लान करते हैं कि मतलब हम अगर शादी करेंगे तो पूरा राजस्थानी तरीके से, राजस्थानी रिचुअल्स। आज ये पूरी वाइब मेरे को जो आ रही है ना, मैंने जस्ट एक वीडियो कॉल किया था उसको, एंड ही वॉज वेरी 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 हैप्पी टू सी मी इन दिस अटायर, एंड उसने मुझे बोला कि नंदिनी सच में जो मैं सोचता हूँ ना बचपन से राजस्थानी राजस्थानी, वो मेरे को ऐसा लग रहा है मतलब मेरी ब्राइड है सामने राजस्थानी प्रॉपर ना, वो वाइब आ रही है, चल शादी कर लेते हैं। तो कहीं ये इनका इरादा 2 साल से पहले 20 दिन बाद ना हो जाए, आज की वाइब देखते हुए। No one knows. बहुत ही बेहतरीन राजा महाराजाओं ने या हमारे गॉडेसेस ने कितना बढ़िया ट्रेडिशन बनाया है, एक मैरिज, एक हिंदू मैरिज की दूल्हा घोड़े पे टक 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 आ रहा है और दुल्हन वो अपने महल से टक टक ही लगाए हुए देख रही है, और द इमेजिनेशन, वेरी नाइस, बहुत वाव वाली फीलिंग है। बिल्कुल, शादी करूंगी तो मैं तो राजस्थानी उसमें करूंगी, राजस्थानी रिचुअल्स चाहिए मुझे, और हो भी सकता है कि मेरे को यही लहंगा चाहिए क्योंकि इस लहंगे में मेरा दिल आ गया है बहुत बुरी तरह। फिर भी कौन से कलर का लहंगा सोचा था शादी में पहनने का? सी, मैंने तो स्टार्टिंग से ये सोचा था कि मैं पहनूंगी थोड़ा ऐसा ही डार्क मरूनिश लहंगा, एंड विथ
नहीं पर डीप थोड़ा नेक थोड़ा डीप नहीं सोचा था, नेक थोड़ा नॉर्मल सोचा था एंड दिस टाइप ऑफ लहंगा एंड बस हैवी ज्वेलरी कलरफुल स्टोन्स. आपने बताया भी नहीं और हमने समझ लिया. एग्जैक्टली डिजाइनर का यही काम है. बिल्कुल. तो हम भावनाओं को पढ़ते हैं बेसिकली. आई लव टू रीड द फेसेस एज वेल कि उसे क्या पसंद आएगा, वो किस में सुंदर लगेगी. या जब ये आई तो इनको बिल्कुल कुछ नहीं पता था. शी इज ब्लैंक और शी इज जस्ट सेट ऑन अ चेयर और हमने जो कुछ भी करते चले गए एंड करिश्मा आपके सामने. एग्जैक्टली आई वॉज टोटली ब्लैंक. और जब मुझे बोला गया ना आप जाके ब्लाउज एक बार ट्राई करो, मैंने ट्राई किया, मैंने कहा सीरियसली ये ब्लाउज पहनना है मेरे को, आई कांट बिलीव ये कितना सुंदर है, बहुत सुंदर ब्लाउज. और उसके बाद लहंगा देख के तो माय गॉड बहुत खुशी, बहुत ज्यादा खुशी हुई मुझे. कुछ तो इस सिचुएशन पे कुछ आपकी तरफ से आना चाहिए. कुछ आप कहिए या कुछ आप सजाइए इस माहौल को. कैसे सी मैं तो मैं कल से बहुत नर्वस थी. जब से मेरे पास कॉल्स आ रहे थे ना मैं तब से बहुत नर्वस थी. तो अब मैं सुबह आई, अब मैंने कहा कि मेरे को किसी को साथ लेके जाना है, मैं तो वहाँ पे बात भी नहीं कर पाऊँगी. लेकिन ना मतलब लहंगा जब मैंने देखा तो मैंने कहा नंदिनी तू ये सोच तेरी शादी हो रही है, तू खुश रहे, तू पहन लहंगे को, तू उसको फील कर अच्छे से, तू खुश हो उसको पहन के. एंड उसके बाद से शूट में भी मैंने सोचा था कि मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी करने में, मैं नहीं कर पाऊँगी. बट हाँ मैंने जब मन में ये कर लिया ना कि हाँ मैं ही ब्राइड हूँ, मुझे अच्छे से अपना फोटोशूट करवाना है, मुझे पिक्चर्स चाहिए अच्छी अपनी, तो उसके बाद मैंने थोड़ा अच्छी पोजिंग स्टार्ट करी एंड बस उसके बाद तो मैंने यहाँ पे वाइब क्रिएट कर दी अपने लिए खुद ही. अरे वाह बहुत बढ़िया. देखो एक ब्यूटीफुल विमेन, ब्यूटीफुल हार्ट, ब्यूटीफुल सोल, डिजाइनिंग बैंड बाजा बरा, एक अच्छी संस्कारी दुल्हन, एक बेटी, बट इसके अलावा आपको क्या लगता है कि विमेन में क्या क्या चीज़ें और एड ऑन करने की ज़रूरत है ताकि वो कभी भी कोई मुश्किल समय आए या कोई भी ऐसा कुछ भी एक्स वाई जेड हो सकता है आजकल चारों तरफ, तो क्या ऐसे एड ऑन्स होने चाहिए एक विमेन में जो कि आप सजेस्ट करती हैं? आई गेस सभी लड़कियों को है ना एक तो बोल्ड होना चाहिए काफ़ी एंड एज वी डिस्कस बिफोर जूडो कराटे आनी चाहिए लड़कियों को. डेफिनेटली जूडो कराटे, ताइक्वांडो या कोई ना कोई एक ऐसी आर्ट आनी चाहिए कि वो कभी भी जरूरत पड़ने पर कूट दे, तीन चार मुस्कंडों को कूट दे, कूट दे तीन चार मुस्कंडों को कूट दे, कूट दे. एग्जैक्टली बोल्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज हर इंडस्ट्री में हर चीज़ में मतलब लोग हैं फ़ायदा उठाने के लिए, हर फील्ड में बैठे हैं लोग. लेकिन जब तक लड़की बोल्ड नहीं होगी, जब तक वो बोलना नहीं सीखेगी तब तक वो, पहली बात तो बहुत लड़कियां होती हैं जो जिनके घर में ना इस प्रोफेशन के लिए ही नहीं सपोर्ट किया जाता. पेरेंट्स के आगे भी उस सिचुएशन में बोल्ड होना ज़रूरी है आपको कि आप उन्हें समझाओ आपको करना है ये काम, उनको नहीं करना है. अब आपका इंटरेस्ट इस चीज में, मेरा स्टार्टिंग से एक्टिंग में इंटरेस्ट है. एक मिनट, नंदिनी के पेरेंट्स कभी भी नहीं चाहते थे कि वो कभी भी एक्टर बने, यूट्यूबर बने, कंटेंट क्रिएटर बने, वो नहीं चाहते थे. नंदिनी उनकी मर्जी के खिलाफ एक एक्टर है आज यहाँ हमारे साथ, जो कि उसमें कोई बुराई भी नहीं है. जब नंदिनी ने अपना इंडस्ट्री में नाम बना लिया एक पैरामीटर में, आस पड़ोसी इधर उधर के लोग जब पूछना शुरू हो गए ओह माय गॉड ये तो नंदिनी शर्मा का घर है, ये नंदिनी ही है, आप नंदिनी के पापा मम्मी हो, उस वक्त पेरेंट्स को प्राउड हुआ. और उन सभी गर्ल्स को, उन सभी लोगों को इनसे इंस्पायर होना चाहिए कि हमें अपने मन की चीज़ जो हमें पसंद है और जो हम करना चाहते हैं, जो हमारी हॉबी है, अगर हम पेंटर बनना चाहते हैं तो वाई नॉट पेंटर, अगर हमें डांसर बनना है तो वाई नॉट डांसर. ज़रूरी नहीं है कि इंजीनियर बन के ही आनंद आएगा, यू कैन बी ए म्यूजिशियन ऑल्सो. अगर तबला बजाने का शौक है तो यू कैन दैट. अपना नाम बनाओ उस चीज में, अपनी हॉबी को प्रोफेशन में कन्वर्ट करो, पेरेंट्स को ऑटोमेटिकली गर्व होना शुरू हो जाएगा. अभी नंदिनी के मुंह से सुनेंगे छोटा सा किस्सा उसके पेरेंट्स का, क्या डिस्कशन थी.
एग्जैक्टली मैं जब अपने स्कूल में थी तो एक्चुअली मैं ना बचपन से ही स्पोर्ट्स में थी अपने स्कूल में, तो आई यूज टू बी अ जिमनास्ट. तो आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर माई नेशनल्स व्हेन आई वॉज इन 10th स्टैंडर्ड. तो मेरे पेरेंट्स जो थे ना वो बहुत ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करने लग गए थे उस टाइम पे. आई एम फ्रॉम अ पंडित फैमिली, ब्राह्मण फैमिली, तो वो एस्ट्रोलॉजी में बहुत बिलीव करते थे. एंड मेरी टीचर्स की हमेशा ये कंप्लेन थी कि ये है ना स्पोर्ट्स में ही घुसी रहती है, पढ़ती तो है नहीं. तो मेरे पेरेंट्स हमेशा ये चाहते थे कि ये कैसे ना कैसे करके स्पोर्ट्स को छोड़ दें. वहीं पर क्या हुआ, 11th में मेरे स्कूल में आ गया थिएटर. वहां से मेरा एक्टिंग में भी इंटरेस्ट आ गया. मैंने कहा चलो अगर एक्टिंग होगी तो एक्टिंग कर लूंगी, अगर स्पोर्ट्स में होगा तो स्पोर्ट्स कर लूंगी. बट हाँ, मेरे पेरेंट्स है ना इस चीज में लगे पड़े थे कि इसका स्पोर्ट्स छुड़वाओ कैसे ना कैसे. वो मतलब स्टार्टिंग से ना अगेंस्ट ही जाते थे उस चीज के जो मुझे पसंद थी. चले गए चलो स्पोर्ट्स कैसे ना कैसे छुड़वा दिया. उसके बाद मैंने थोड़े से शूट स्टार्ट करे नॉर्मल, और मैंने अपने 3-4 दोस्तों के साथ मिलकर ना एक छोटा सा यूट्यूब चैनल खोल लिया. कुछ नहीं हुआ उस यूट्यूब चैनल पे, कुछ भी नहीं हुआ. उसके बाद फिर मैंने नॉर्मल दोबारा शूट स्टार्ट करे, और फिर मैंने 1-2 ऐसे चैनल्स पे शूट करना स्टार्ट किया जो थोड़ा बहुत चल रहे थे उस टाइम यूट्यूब पे. फिर मेरा है ना मतलब मैंने देखना शुरू किया हर्ष बेनीवाल को. मैंने देखना शुरू किया, मैंने कहा अरे यार मेरे को इसके साथ तो करना है करना है करना है. मैंने सबसे पहले शूट ही उसके साथ किया, बाय गॉड्स ग्रेस मैंने उसके साथ सबसे पहले शूट किया. एंड तब जाके मेरे पेरेंट्स को उस शूट के भी कम से कम 1 साल बाद पता लगा कि हाँ मेरी बेटी ने कुछ किया है. क्योंकि लोग आके हमें बोल रहे हैं अंकल नंदिनी आपकी डॉटर है ना, नंदिनी आपकी डॉटर है ना, अच्छा आप किसी को अगर वहाँ मेरे घर के आसपास कहीं आना है, अरे वो नंदिनी शर्मा का घर है वहाँ पे ना, वहाँ आना है. पेरेंट्स फील्स ऑलवेज प्राउड व्हेन उनके बच्चे कुछ कर दिखाएं, अपनी हॉबी में कहीं आगे निकल जाएं. पेरेंट्स हमेशा, पेरेंट्स तो वैसे भी ऐसा ही चाहते हैं कि कुछ ना कुछ इन्हें बना दें, कुछ ना कुछ ये बन जाएं, कोई गलत रास्ता ना भटक जाएं. वो भी अपनी जगह गलत नहीं है, बट आप अपनी हॉबी पे रहो और हॉबी को प्रोफेशन में कन्वर्ट करो, और दिल से शिद्दत से करो. शिद्दत से करोगे तो डेफिनेटली, कभी मैंने भी यही सोचा था, एक्टर या डिज़ाइनर या कुछ भी जो भी है, डेफिनेटली हम मेहनत कर रहे हैं, वी आर वर्किंग डे एंड नाइट, कंटिन्यूसली एफर्ट है. सुबह दोपहर शाम रात सिर्फ रानियां और महारानियां ही दिखती हैं मुझे. या लहंगा दिखता है या हैंड एम्ब्रॉयडरी दिखती है जो कि आज इन्हें पहनाई है, किस तरह से इसे मुझे कलर कॉम्बिनेशन में डालना है, क्या मैचिंग लगानी है, क्या सजाना है, कौन सी ज्वेलरी है, पूरा एलिब्रेट दिन अपने आप को झोंकना पड़ता है. और एक दिन का एफर्ट नहीं है ये, कंटिन्यूस एफर्ट है, कंटिन्यूस. हजारों अभी एट प्रेजेंट मेरे पास जैसे 1400 लोग काम करते हैं, तो 1400 के 1400 लोग मेरी फैमिली है, 1400 के 1400 लोग मेरी टीम है. उस टीम के साथ एक बैक टू बैक आपके इसकी अंडरस्टैंडिंग. अब जैसे सपोज नंदिनी ने ये लहंगा पहना है, आसान नहीं था इसे बनाना, बहुत मुश्किल था. कितना समय लगता है एक लहंगा बनाने में नंदिनी? बहुत लगता होगा. फिर भी आप गेस बताएं मुझे कितना समय लगता है. मैं अगर गेस करूं तो इसको बनाने में लग जाते होंगे 3-4 months. करेक्ट, नंदिनी ने ठीक कहा, 3-4 महीने लगते हैं. और कितने लोगों का मेहनत है ये, कितने लोगों की मेहनत लगती है आपको? मेहनत इसमें होगी कम से कम, नहीं तो मोर देन 200-250. चांस की बात है कि नंदिनी ने ये भी सवाल का बहुत परफेक्ट जवाब दिया. आई डोंट नो कहाँ से आ रही होगी शादी वाइब, शायद इतनी बढ़िया फिट हो गई. यस, 200 पीपल वर्क्स डे एंड नाइट ऑन दीज प्रिटी लहंगास, तभी जाके ये एक नज़ाकत से जो आप एक अजूबा देख रहे हैं, जो एक आप पेंटिंग देख रहे हैं, जो एक डिज़ाइनर का ख्वाब देख रहे हैं, जो सजी हुई ब्राइड एलिवेटेड एकदम जैसे बस एक तराशा हुआ कोई अजूबा हो, जैसे हमने नंदिनी को सजाया है, तो इतना ही समय लगता है इसको. 200 आदमी लगते हैं दिन रात, सिर्फ एक सुई और धागा, सुई और मेटल्स के धागे और सितारों से बना हुआ लहंगा है, सिर्फ एक सुई से एक कारीगर आर्ट करता है, कितना मुश्किल है उसके लिए. बहुत मुश्किल है, वेरी टफ. तो जब एक कारीगर मेहनत करके इतना बड़ा अजूबा बना सकता है, तो डेफिनेटली हम और आप तो इंसान है, और वो भी वेल एस्टेब्लिश्ड. नंदिनी ने कहा इसको पहन के ना प्रॉपर ऐसी वाइब आ रही है कि इस पे बहुत दिल से और बहुत ज़्यादा मेहनत करी गई है. ठीक है, किसी की इतनी मेहनत करने के बाद बनी हुई चीज़ मैंने पहनी है, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात, सच में बहुत बड़ी बात है. कलर
कॉम्बिनेशन कैसा लग रहा है आपको, क्या फील हो रहा है कलर कॉम्बिनेशन? इतने सारे हमने खूबसूरत रंगों को साथ में सजाया है, क्या लगता है आपको, आसान है मैचिंग, कलर मैचिंग? नहीं, बिल्कुल आसान नहीं है, बहुत ज़्यादा टफ है ये चीज़, तो सबसे ज़्यादा मुश्किल ही ये चीज़ है, सबसे ज़्यादा मुश्किल। लेकिन आपको सच बताऊँ, जब कोई चीज़ मैं सोचता हूँ, जब मैं सोचता हूँ और उसे सोचता चला जाता हूँ, तो अपने आप धागे से धागे कनेक्ट होते चले जाते हैं, और ऊपर वाले का, भगवान का इतना आशीर्वाद है, एफर्ट है सबका, इतनी सारी हज़ारों ब्राइड्स का इतना प्यार है, कि जो भी कलर मैचिंग डालता हूँ ना, वो इतने सुंदर ढंग से एक दूसरे में समा जाती हैं कि आपके सामने कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। ऑन द स्पॉट इम्प्रोवाइजेशंस होते हैं, मतलब आपके इसमें कुछ चेंजेस होते हैं ऑन द स्पॉट? डेफिनेटली, बनते बनते चीज़ें, बनते बनते कुछ छुटमुट मेरे चेंजेस करता रहता हूँ स्लाइटली, अगर कुछ भी मुझे कुछ भी स्लाइट समझ में नहीं आया, या कुछ भी लग रहा है कि नहीं, कि इसमें कुछ और हो सकता है, कुछ और हो सकता है, बिकॉज मैं ऑलवेज लार्जर देन लाइफ थाट रखता हूँ, और उसे उसी तरह सजाता हूँ कि एकदम कोई भी माइन्यूट से माइन्यूट कमी भी है, उसे भी मैं दूर करके एक शानदार अजूबा एक ब्राइड के लिए, एक राजकुमारी और एक जो महारानी, जो एलिवेट, जो सोची है ना एग्जैक्टली, जो भी ब्राइड हो, हर एक वुमेन को मैं उस अवतार में ही देखना चाहता हूँ ऑलवेज। तो लहंगा पहनना बहुत मुश्किल है, इट्स नॉट एट ऑल ईजी। मैं तो सच में ये सोच रही हूँ कि लड़कियाँ शादी में भी कैसे पहन लेती हैं। अब मेरे को ये है कि हाँ, मैं बहुत टाइम से सोच तो रही हूँ कि हाँ नंदिनी, तेरे को राजस्थानी लुक चाहिए, तेरे को बहेवी सुंदर प्रिटी लहंगा पहनना है, ठीक है, अब बिल्कुल इसकी तरह लहंगा पहनना है मेरे को, लेकिन अब मैं डर गई हूँ आज। डरना नहीं है, क्योंकि नंदिनी आप और हम या जनरल विमेंस तो एक दिन लहंगा पहनती हैं या दो दिन पहनती हैं साल में या चार दिन, महारानियां हमारे राजपूतों की, राजस्थानी जितनी भी रानियां महारानियां थी, वो हर दिन सजती थी, 20 किलो ज्वेलरी होती थी, 20 किलो का लहंगा होता था। अच्छा, इतने हेवी लहंगा होते थे? वो रूटीन में सजती सवरती थी और मज़ा आता था, और वेट उनका बहुत ज़्यादा नहीं होता था, बहुत पतली दुबली, और तलवार भी झेल लेती थी, वो लहंगे के साथ तलवार भी पकड़ लेती थी, क्योंकि वो खूब लड़ी मर्दानी थी, झांसी वाली रानी थी, वो लहंगे में भी सजती थी और घोड़े पे भी दौड़ती थी। तो बिल्कुल घबराना नहीं है, डेफिनेटली वो ताकत, वो इंडियन वुमेन में, एक इंडियन ट्रेडिशन में वो ताकत है, जो आपको लहंगा क्या 20 किलो ज्वेलरी पहनने पे भी आप थकेंगे नहीं, नहीं थकेंगे, एग्जैक्टली। यू नीड टू बी सुपर स्ट्रांग। थैंक यू सो मच, नाइस टू हैव नंदिनी ऑन आवर शो। क्या इनपुट दिया यार, क्या अजूबा है। स्क्रीन पे आपको कॉमेडी करती हुई नजर आएंगी या हंसाती हुई नजर आएंगी, बट आज तो रियल महारानी, राजस्थान की रानी महारानी, और देखिए आप क्या अदा है, क्या जलवा है। All because of you. Thank you so much. आपको अच्छा लगा हमारे शो पे आके? बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मेरा ड्रीम था आपसे मिलने का, आपका आपका आउटफिट पहनने का, आपका डिज़ाइन किया हुआ लहंगा पहनने का। आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड वेरी ग्रेटफुल कि मैंने ये पहना, मैं आपके साथ बैठी हूँ, पॉडकास्ट कर रही हूँ। आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। थैंक यू सो मच नंदिनी। थैंक यू सो मच।